प्यारे भाइयों तथा तो बहनों, नवरात्रि की शुभ पर्व पर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मैं अभी अभी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करके गरबा नृत्य का मुख्य अतिथि था, वहाँ से होके आ रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आज आपको कुछ शेर, अपने लिखे हुए शेर सुनाना चाह रहा था। ज्योतिष के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर फिर भी माँ दुर्गा के आखिरी दिन 9वें दिन में सभी भक्तों को, जो माँ दुर्गा को मानते हैं, वो 9 कन्याओं को खाना खिलाकर एक छोटा छोटा लाल दुपट्टा दें और 11 11 रुपये उनके झोली में डालेंगे तो माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो माता के ऊपर एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। जिसे डूबती हुई कश्ती की तरफ माता का इशारा हो जाए, जिसे डूबती हुई कश्ती की तरफ माता का इशारा हो जाए, उठते हुए तूफान रुक जाए, हर मौज किनारा हो जाए। उठते हुए तूफान रुक जाए, हर लहर किनारा हो जाए। जिस तरह मगर माता का इशारा हो जाए तो आदमी बड़े से बड़े संकट से भी निकल के बाहर आ जाता है। तो आज मैं पहला शेर जो सुनाने जा रहा हूँ, अपने नौजवान भाइयों के लिए सुनाने जा रहा हूँ। हमें नौजवान, हम तो मिट के भी सहारा नहीं मांगा करते। हमें नौजवान, हम तो मिट के भी सहारा नहीं मांगा करते। हम लहू दे के जलाते हैं चराग, हम चरागों से उजाला नहीं मांगा करते। हम लहू दे के जलाते हैं चराग, हम चरागों से उजाला नहीं मांगा करते। तो आदमी को कभी भी आगे के सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मंजिल पूरी हो गई, अब मैं यहाँ मेरा विराम लग गया। दुनिया में एक जहाँ और भी है, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। उसके लिए मैं शेर सुना रहा हूँ कि मत पूछ कि मेरी मंजिल है कहाँ, मत पूछ के मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। मत पूछ के मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। हारूंगा नहीं ज़िंदगी में कभी, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो अपने को ज़िंदगी में कोई हार नहीं माननी, कभी कोई हार भी आ जाए तो उसको आगे बढ़ना है, हिम्मत से आगे बढ़ के उसको पार करना है। और इसी तरह से एक शेर और सुनाने जा रहा हूँ जो मेरा लिखा हुआ है। अपनी पूरी ज़िंदगी में जो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव सब आते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा था। हंसाती है कभी कभी रुलाती है ज़िंदगी, हंसाती है कभी कभी रुलाती है ज़िंदगी, कांटों पे कभी फूलों पे चलाती है ज़िंदगी, कांटों पे फूलों पे कभी चलाती है ज़िंदगी। इसे ज़िंदगी ने दुख दर्द के सिवाय कुछ भी तो नहीं दिया, फिर भी सबके मन को लुभाती है ज़िंदगी। उस ज़िंदगी को समझने के लिए, इस ज़िंदगी को समझने के लिए 100 साल भी जियो तो कम है ज़िंदगी। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उम्र भी 100 साल की हो, ताकि आप ज़िंदगी के फलसफे को समझ सकें, ज़िंदगी की गहराइयों में जा सकें, आगे ज़िंदगी को समझ समझ के आगे बढ़ते रहें। ये मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है आपके लिए। और एक शेर और सुनिए। जी।